नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय विकास कार्यों की प्रदर्शनी वर्षों में जो होना सपाया 4 वर्षों में कर दिखाया का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद प्रदर्शनी में आम लोगों के लिए खोल दी गयी। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रदेश सरकार के 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मिशन शक्ति, महिला कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी, ICDS, उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा, पर्यटन आदि विभागों द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों के प्रदर्शनी में दिखाया गया। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में आकर सरकार द्वारा 4 वर्षों में किए गए उत्तम कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह प्रदर्शनी सबके लिए खुली है। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी BL यादव, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह, महिला कल्याण विभाग की समस्त कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित रहे। आज जो सूचना विभाग की तरफ से प्रदर्शनी जनपद में लगी है, जिसमें सरकार के 4 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। हर एक कार्यों के, हर एक विभाग के जो उपलब्धियाँ हैं उसको दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मेरा अनुरोध है सर्वजन से कि आके इसको देखें और जो सरकार ने उत्तम कार्य किए हैं पिछले 4 साल में उसके बारे में यहाँ से जानकारी भी प्राप्त करें। सर, कई दिवसीय है प्रदर्शनी? 3 दिवसीय प्रदर्शनी रहेगी और सबके लिए खुली है। मेरा सबसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इसमें आके हिस्सा लें और देखें। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।